हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नासर और आप देख रहे हैं डिजिटल प्रेस न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, सेवा का नाम मेहदीपट्टनम के पास है। यहां पर जो अजीजा मस्जिद के अपोजिट पिल्लर नंबर 2 के पास यहां पर तकरीबन लोगों को देखा गया है कि ये लोग जो है यूपी जा रहे हैं। तो आइए हम इनसे सवाल करते हैं कि ये लोग यूपी क्यों जाना चाहते हैं। जैसा कि लॉकडाउन ऑलरेडी जो है 3 तारीख तक बढ़ गया है अभी, तो अब तक ये लोग यहाँ पर थे, लेकिन अब ये क्यों जाना चाहते हैं, या फिर प्रॉब्लम क्या है, ये हम इनसे जानते हैं। तो बताइए, आप जो है यहाँ से जाना चाहते हैं लॉकडाउन में, इसकी वजह क्या है? क्या आपके पास खाना नहीं है, या क्या आपको राशन नहीं मिल रहा, या गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है? कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा आपको? तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खाने का इंतजार कुछ नहीं मिल रहा आपको? तो अब ये बताइए कि आप लोग यहाँ से जा रहे हैं तो यूपी कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? 1700 किलोमीटर। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कह रहे हैं यूपी यहाँ से 1700 किलोमीटर है और आज ये लोग निकल रहे हैं, वो भी पैदल। तो ये लोग कब पहुँचेंगे, हम इनसे ही पूछते हैं कब पहुँचेंगे अगर आप निकलेंगे तो ये 1700 किलोमीटर 10-12 दिन में। तो जैसा कि आपने सुना, ये आप निकल रहे हैं तो 10-12 दिन में पहुँचेंगे, और ये तकरीबन आप देख सकते हैं 15 से 20 लोग जमा है। तो इनका कहना यही है कि ये लोग अब निकलेंगे तो 10-12 दिन के अंदर 1700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। तो आपके पास कोई गाड़ी ऐसा नहीं है, तो बीच में खाने का इंतजाम कैसा करोगे आप लोग? आप आइए सर, आप सर ये बताइए, आप लोग साथ में किसी के पास जो है गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे हालात में आप 1700 किलोमीटर का सफर जो 10 दिन में मुकम्मल हो सकता, इतना बड़ा सफर क्यों करना चाह रहे हैं? आपकी वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ काम क्यों चल रहा है जी। दूसरी बात ये है, काम करें खाने की व्यवस्था जी जी, कोई व्यवस्था करते हैं। आप भी कुछ राशन ला के नहीं दे रहे लोग, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई राशन नहीं मिला? कॉलोनी में जाते ना, आधार कार्ड लेके जैसे कि आपने सुना है ये लोग बिहार यूपी के हैं, तो वहाँ ये तकरीबन लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर आपको राशन होना है तो आप हैदराबाद का राशन कार्ड तेलंगाना का बताइए तो आपको राशन मिलेगा, और आधार कार्ड भी तेलंगाना का होता। तो ऐसे हालात में जब इतने लोग हैं, इतनी संख्या में, इतनी तादाद है, आप दे सकते हैं तकरीबन 20-25 लोग वहाँ पर निकले हैं और 15-20 लोग यहाँ पर है। हमारी तेलंगाना हुकूमत से दरख्वास्त है, ऐसे कई लोग रोजाना जा रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम यही है। अगर इनको राशन मिलता है, अगर इनको यहाँ पर पैसा मिल जाता है तो यहीं पर रुकेंगे। आप अंदाजा लगाइए 1700 किलोमीटर ये लोग पैदल 10 दिन तक क्यों जाएंगे। तो हमारी तेलंगाना हुकूमत से ये गुजारिश है कि इनको जो है जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए, क्योंकि अभी फिलहाल जी यहाँ पर है, और इनको जो है हम इनका फोन नंबर लेंगे, इनसे बात भी करेंगे, देखेंगे गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर सकती है। सर, आपका क्या मुतालिबा है, तेलंगाना हुकूमत आपके लिए क्या कर सकती है, किससे की थी? भाई हमारे लिए तो खाने के लिए व्यवस्था करे, राशन व्यवस्था करे, पैसे की व्यवस्था करे, तो हम रुके रहेंगे, नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आप किराए के घर में रहते थे या उत्पाद का कारोबार करते थे? कहाँ पर रहते थे यहाँ पर आप लोग? टोली चौकी में। कहाँ पर? सेवन टम। तो ये लोग टोली चौकी सेवन टम से बात क्या काम करते हैं? फुटपाथ पर। तो जैसा कि आपने सुना है ये लोग फुटपाथ पर काम करते हैं, लेकिन नहीं कि बहुत यही है कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और इनके पास जो है रेंट भी दे नहीं सकते ये लोग। तो फिर वक्त आप जाना चाहते हैं 1700 किलोमीटर का सफर, वो भी सिर्फ 10 दिन में ये लोग कंप्लीट करेंगे। तो अब ये सुबह में जा रहे हैं, अब देखते हैं हम उनका फोन नंबर लेके हम इनसे तफसील में बात करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ, मैं मोहम्मद नासिर, डिजिटल प्रेस न्यूज हैदराबाद।